नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कब दीपक जलाने से होगी तरक्की, कैसा दीपक जलाने से दूर होगी विपत्ति, कितने दीपक जलाने से बरसेगा धन अपार, राशि अनुसार कहां जलाएं खास दीपक, जानिए दीपक के 50 असरदार उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि सिर्फ रुई ही नहीं बल्कि अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से बनी बत्तियों के साथ दीपक जलाने से क्या क्या फायदे होते हैं, और इसके साथ ही आज कालचक्र में जानिए किस परेशानी के लिए आपको किस दिशा में कौन सा दीपक जलाना चाहिए, और हफ्ते के सातों दिन कौन सा दीपक जलाने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। दीपक से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। और अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 जून 2023 दिन सोमवार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 2:04 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:44 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। बरियान नवयोग सुबह 6:07 से शुरू हो चुका है। आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 से 9 तक, यमगंड काल सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक, गुलिक काल दोपहर 2:09 से दोपहर 3:53 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुई की बाती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन हम इसके शुभ फल के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो हम पंडित जी से सवाल लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो रुई की बाती से ही हम दीपक क्यों जलाते हैं, और तो और अलग अलग पेड़ पौधों की बत्तियों से जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि सनातन धर्म में दीप को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। आचमन प्राणायाम के बाद दीप ही प्रज्वलित करने का प्रथम कार्य होता है, और दीपक को एक अनाज की ढेरी पर रख करके जलाया जाता है, और हाथ में हल्दी अक्षत पुष्प लेकर के दीपक से प्रार्थना की जाती है कि हे भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी हेवृत यावत कर्म समाप्ति स्यात तावत तुम सुस्थिरो भव। जब तक इस कर्म की समाप्ति न हो प्रभु, तब तक आप सुस्थिर रहें, अर्थात आप अपनी जगह पर अटल रहें। तो दिए का सनातन धर्म से बड़ा गंभीर संबंध है। रुई की बत्ती से तो दीपक हम सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे? रुई की बत्ती से दीपक जलाकर पूजा करने से भाग्योदय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। रुई के बत्ती पर अगर पीला चंदन लगा करके और उस बत्ती को सुखा लिया जाए और बाद में उसको जलाया जाए, तो ऐसे में माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। जो कन्याएं विवाह योग्य हैं वो अगर हल्दी से रंगी हुई रुई को बत्ती बना करके और घी का दिया जला करके पार्वती माँ के सामने रखें तो उन्हें 40 दिन के अंदर मनोवांछित पति की प्राप्ति हो जाती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। रुई की बत्ती को अगर केसर को घोलकर उसमें रुई की बत्ती को रंग लिया जाए और उसको सुखा करके अगर दीपक जलाया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है, तनाव और मतभेद की स्थिति है, तो उसमें भी कमी आती है और संतान सुख में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये तो हुई रुई की बत्ती से दीपक जलाने की बात। इसके अलावा आज मैं आपको 5 अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बत्तियों के बारे में भी जरूरी जानकारी दूंगा, जो शायद पहली जानकारी दे रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा।
अब मैं बात करूंगा सबसे पहले केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती के। केले का जो तना होता है ना, तो केला एक बार फल लेता है, उसके बाद अगर उसको न काटा जाए तो केला कभी दोबारा नहीं फल सकता है। एक केले का पेड़ केवल एक बार फल देता है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामचरितमानस में, बिनु काटे न कदली फरे कोटि जतन कर सीज, और बिनय न मान महेश सुन डाटे पय नव नीच। माने बिना काटे केला फल नहीं देता है। केले का पेड़ अगर एक बार फल दे दिया तो दोबारा चाहे उसे अमृत से सींचिए तब भी वो फल नहीं देगा, उसको काटना पड़ेगा, उसकी जगह पे नया पेड़ उगेगा और वो फिर से फल आपको देगा। बिन काटे न कदली फरे कोटि जतन कर सींच, और बिनय न मान महेश सुन डाटे पय नव नीच। नीच लोग जो होते हैं वो विनती करने से नहीं सुनते हैं, उनको जब तक आप डांट नहीं लगाएंगे तब तक वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो केले के पेड़ के रेशे से बत्ती बना करके उसे सुखा करके और उसे घी के दीपक में रख करके यदि ये दीपक जलाया जाए तो ऐसे में हनुमान जी की परम कृपा प्राप्त होती है, पाप ताप से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों के श्राप से मुक्ति मिलती है। केले के पेड़ से बनी बत्ती स्वस्थ संतान को जन्म देती है। जो लोग केले के पेड़ से बत्ती से बने दीपक को जला करके और संतान गोपाल मंत्र का 125,000 जप करते हैं उन्हें निश्चित रूप से दिव्य ईश्वर का अंश संतान के रूप में प्राप्त होता है, नए कार्यों में सफलता प्रदान करता है। लेकिन केले के पेड़ से बनी बत्ती को वैवाहिक कार्यों के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विवाह के मंडप में केले के रेशे से बनी हुई बत्ती का प्रयोग बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कमल नाल जिसको कमल की डंडी भी कहते हैं, कमल नाल उसके रेशे से बनाई गई बत्ती जो है अगर उसको जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता है, वर्तमान जीवन खुशहाल रहता है। इसी तरह से सफ़ेद मंदार के पेड़ से बनी बत्ती से दीपक जलाने से भगवान गणेश का परिवार पर आशीर्वाद रहता है, दुर्भाग्य दूर होता है, आमदनी बढ़ती है। सफ़ेद मंदार से बनी बत्ती का दीपक जलाने से कानूनी मामलों में सफलता भी मिलती है और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार यदि आप दीपक की बत्तियां रखेंगे तो निःसंदेह आपको लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, जब कोई घर ज्यादा दिनों तक बंद रहता है या जिस घर में ठीक से वेंटिलेशन की वायु के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था नहीं होती है या जिस घर में रहने वाले लोग चिंतित रहते हैं या जहां कलह होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहां अगर कोई साधारण व्यक्ति चला जाए तो उसको सफोकेशन महसूस होने लगेगा, हौच पौच होने लगेगा उसका दिमाग। तो भाई ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मेष राशि को जातकों को चाहिए कि यदि ऐसा कुछ आपको अपने घर में अपने बेडरूम में अपने ड्राइंग रूम में महसूस हो रहा है तो हर रोज़ आपको अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ऋण रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर
अलसी के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जलाना चाहिए, इसका भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। मां लक्ष्मी के साथ कमल के फूल की भी पूजा करें, इससे निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों का भाग्योदय होगा और बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुई और अलग अलग पेड़ों से बनी बाती से दीपक जलाने से क्या फायदे होते हैं ये तो पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन हमें से ज्यादातर लोग रुई की बाती से ही अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो ऐसे में एक रुई की बत्ती से लेकर 9 रुई की बत्ती दीपक में डालकर जलाया जाए तो इससे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं पंडित जी, और क्या इस विधि से अगर हम दीपक जलाएं तो और क्या क्या लाभ मिल सकता है? देखिए ऐसा है, दीपक में एक रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से सफलता मिलती है। दीपक में 2 रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से जीवन में सुख शांति आती है, परिवार में एकता बनी रहती है। दीपक में 3 रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दीपक में 4 रुई की बत्तियां चारों दिशाओं को रोशनी दर्शाती हैं। 4 बत्तियां डालकर ज्योति जलाने से चारों दिशाओं में सफलता मिलती है। जब कोई लड़का अपने ससुराल जाता है विवाह के लिए तो लड़की का बाप लड़के को चतुर्मुखी दीपक 4 बत्तियों वाले दीपक से ही आरती करता है ताकि उस लड़के के जीवन में चारों दिशाओं में प्रकाश रहे और चारों दिशाओं में उसे सफलता मिले, इसका आशय ये होता है। और कहीं आपको अगर चतुर्मुखी दीपक नहीं मिलता है तो आपको विवाह के समय जब मंडप में वर का प्रवेश होता है तो उस समय लड़की का पिता या लड़की का भाई चतुर्मुखी दीपक से लड़के की आरती करता है और वो दीपक भी आटे का बना हुआ होता है। ऐसे लोगों के घरों पर परिवार पर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। दीपक में रुई की बत्ती डालकर दीपक जलाने से सभी तरफ से धन बढ़ता है। दीपक में 6 रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से ज्ञान बढ़ता है और दीपक में 9 रुई की बत्ती डालकर ज्योति जलाने से 9 ग्रहों की शांति होती है और 9 दुर्गा की भी प्रसन्नता मिलती है। इसलिए किसी भी सिद्धपीठ में जहाँ देवियों की आरती होती है वहाँ प्रायः 9 बत्तियाँ जला करके देवियों की आरती की जाती है ताकि उससे 9 दुर्गा संतुष्ट हों। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, स्वप्निल। स्वप्निल बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ खुश रहिए भैया जी। मैं सर, मेरा नाम स्वप्निल अग्रवाल है जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 2002 है जी, और मेरे छोटे भाई की DOB 11th of August 2003 है। सर हम दोनों को करियर में किस फील्ड में जाना चाहिए ये जानना था, और गवर्नमेंट जॉब के कुछ योग हैं या नहीं ये जानना था बस। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति सदाष्टक योग की है, बिल्कुल सरकारी नौकरी का कोई दूर दूर तक योग नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास करके अपना समय बर्बाद करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मंगल और शनि आपस में 6ठे 8ठे बैठे हुए हैं, न तो आप सीरियस हैं सरकारी नौकरी के लिए न तो उसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, केवल ये तो टेलीविजन पे फोन लग गया है इसलिए आप मनोरंजन के लिए एक प्रश्न पूछ लिए हैं। अगर इसके लिए आप सीरियस होते पढ़ाई करते तो ग्रह बताते कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए तल्लीनता है आपके मन में।
तो सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि दसम भाव का स्वामी आपके मंगल है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के योग बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छी सफलता आपको नहीं मिलेगी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू बिहार के छपरा से। मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पंडित जी। मेरा सवाल है कि मेरा बेटा है, उसका जन्म है 1993 जी, 28 जुलाई जी। जी पंडित जी, वो एक साल से बहुत झूठ बोलने लगा है और झूठ मनवाने के लिए बोलता है कि नहीं मैं मर जाऊंगा, नहीं तो ये तुम्हें जबरदस्ती मानना पड़ेगा। मैं उसकी आयु के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका रोमा नाम की लड़की से शादी तय हुआ है, वो सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा उस लड़की से शादी करके? और ऐसा कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है मन में। और मेरा जन्म है 7 जून 1972, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। चलिए सबसे पहले मंजू जी, आपके बेटे के बारे में बताऊं। बेटा अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए तो एक उपाय है कि आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा माने थोड़ा सा ही, उसमें काली मिर्च एक चुभो करके और उसको सुबह सुबह खिलाना शुरू करिए 40 दिनों तक, यथासंभव झूठ बोलना कम कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक उसके विवाह का प्रश्न है तो विवाह उसका अच्छा होने जा रहा है और दाम्पत्य जीवन उसका सुखी रहेगा। तीसरा प्रश्न आपने किया है अपने स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी मंगल है, रोग भाव का स्वामी मंगल है, जो नीच राशि में बैठा हुआ है। आपको रक्त जनित बीमारियाँ हैं, आपके शरीर में खून से संबंधित बीमारियाँ हैं और एलर्जी से संबंधित बीमारियाँ हैं। इन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और एलर्जी की दवा लेनी चाहिए। इन दोनों उपायों से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं और आपका आगे का जीवन अच्छा रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कहाँ, कितने और कैसे दीपक जलाने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला पहनाकर उनके सामने 3 दिए जलाइए। दरिद्रता दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाइए। अपने पूजा घर में घी का दिया जलाइए और मिश्री का भोग लगाइए, इससे निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने भाग्योदय के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत रूठी हुई है, तो आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सरसों के तेल का दिया शिव मंदिर में जलाइए। दरिद्रता और दुख दूर करने के लिए हर सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी और कपूर मिलाकर दिया जलाइए। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पंछियों को 7 तरह का अनाज खिलाइए, इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।